ये बर्ड्स आपको नजर आ रहे हैं, ये लेडी एमर फेजेंट, और इनकी खिदमत करने के लिए ये चेक करें, मैं आपको दिखाता हूँ। ये तरामी मैंने भर के रखी हुई है पूरी परात, ये ना ये माशाल्लाह चेक करें, इसमें बर्ड्स को ना खुश करने के लिए ये माशाल्लाह चेक करिएगा। तो आप ना बर्ड्स को अपने साथ टेम करना चाहते हैं ना, तो बर्ड्स को रोज़ाना ग्रीनरी लाजमी दें। उस तरफ आपको नज़र आ रही होगी, मेरे जहन में आया, मैं काफ़ी सारे बर्ड्स को डाल चुका था, फिर मैंने कहा चलो जो हमारे बर्ड्स के शौकीन लोग हैं ना उनके लिए, हमारे जितने भी यूट्यूब व्यूअर्स हैं उनके लिए मैं कोशिश करता हूँ थोड़ी सी वीडियो बना देता हूँ। ये माशाल्लाह चेक करें, इस तरह थोड़ा थोड़ा ना तकरीबन सब बर्ड्स को डालें, बहुत खुश होते हैं बर्ड्स। और सबसे बड़ी बात है कि इसके अंदर आपके बर्ड जो है ना हेल्दी भी रहेंगे, एक्टिव भी रहेंगे, क्योंकि बर्ड्स को सिर्फ सीड वगैरह ना डाला करें, क्योंकि देखें ना बर्ड्स को अल्लाह पाक ने बाहर जो वाइल्ड बर्ड होता है वो हर तरह का दाना खा रहा होता है, उसमें सीड्स होते हैं, उसके अलावा उसको वहाँ पे लीफ मिल रहे होते हैं, पत्ते और जड़ें हर चीज़ मिल रही होती है। तो माशाल्लाह अभी देख रहे हैं बर्ड्स कितने खुश होकर खाते हैं, हालांकि कुछ बर्ड्स में से डर रहे होते हैं, नए बर्ड्स अभी ये माशाल्लाह हमारा सेटअप भी नया आया हुआ है, लेकिन फिर भी ये ना ग्रीनरी वगैरह ये खा रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि आप जब भी बर्ड्स को अपने केजेस में रखें उनको खाली दाने के ऊपर या खुराक के ऊपर ना रखा करें। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि बर्ड्स को जो है ना वो आप लाजमी सीड्स वगैरह के साथ ना ग्रीन पत्ते सैलड दिया करें। मैं क्या यूज़ करवा रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ, मैं पालक मेथी और उसके बाद सलाद का जो पत्ता होता है जिसे सैलड वाला पत्ता बोलते हैं वो हो गया, ये तीन चीज़ें यूज़ करवा रहा हूँ। एक चीज़ और है वो मेरे पास अभी अवेलेबल नहीं है अनफॉर्चुनेटली, बहुत अच्छी चीज़ है जिसे हम अल्फाल्फा भी बोलते हैं, और उसके अलावा उसको लूसन बरसीन मुस्तफ़ के नाम है, शतला भी बोलते हैं कोई लोग उसको, है अलग अलग चीज़ें हैं ये सारी अलग है, लेकिन कुछ लोग उसको सेम भी बोल सकते हैं, लेकिन बेहतरीन उसका नाम जो है वो अल्फाल्फा लूसन भी हम उसको आम जबान में कहते हैं। वो आप ला के परिंदों को क्रश करके डालें, पालक डालें, सैलड पत्ते डालें, बहुत सारी चीज़ें होती है जो डालने वाली होती है। मैं आपको आगे बर्ड्स दिखाता हूँ, ये देखें अभी मैं बर्ड्स को आपको डाल के भी दिखाऊंगा। अच्छा ये लाजमी नहीं कि आप ये सोचें कि कोई बर्ड खाते हैं कोई नहीं खाते, लेकिन आप डालेंगे तो चार दिन आहिस्ता आहिस्ता आपके बर्ड खाना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। इस तरह डाल दें नीचे, आप बेशक ना सैंड के ऊपर आपने मिट्टी डाली या रेत डाली उसके ऊपर थोड़ा सा डाल दिया करें, इंशाल्लाह आपके बर्ड खाना शुरू कर देंगे। ये बहुत लाजमी चीज़ है, अपने बर्ड्स को आप लाजमी दिया करें। अब देखें ये पिजन है, हालांकि पिजन नहीं खाते नॉर्मली लोग कहते हैं, लेकिन मैं पिजन को भी डालता हूँ और माशाल्लाह ये खाते हैं। पहले दो चार दिन इन्होंने नहीं खाया, लेकिन फिर आहिस्ता आहिस्ता जो है ना वो इन्होंने खाना शुरू कर दिया। तो आप डाला लाजमी करें कोई भी बर्ड हो, क्योंकि इसके अंदर जो है ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो आम आपके बर्ड्स को नहीं मिल रही होती है। इवन अभी ये मैं पीकॉक्स को भी डाल के आपको दिखाऊँगा, ये देखिएगा यहाँ से किधर गया भाई, ये चेक करें माशाल्लाह। तो ये चीज़ आप लाजमी क्या करें, अपने बर्ड्स को लाजमी डाला करें, सैलड पत्ते वगैरह, और आप तो के सामने मैंने भी तकरीबन फेजेंट्स वगैरह को दिया है, मोरों को, पिजन्स को, हर चीज़ को मैं डाल रहा हूँ और माशाल्लाह खा रहे हैं, बड़े शौक से खाते हैं माशाल्लाह। तो बर्ड की न्यूट्रिशन पूरी हो रही होती है, उनको जो मिनरल्स चाहिए होते हैं, जो कैल्शियम वगैरह की जो मिकदार जो है वो कम हो जाती है, और विटामिन डी वगैरह वो बर्ड को सनलाइट से विटामिन डी तो मिल जाता है, लेकिन कैल्शियम के लिए आप पालक यूज़ कर सकते हैं, बहुत अच्छी चीज़ है। और सैलड पत्ता जो होता है ना, सलाद का पत्ता, उसके अंदर बहुत सारी मिनरल्स होते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो मल्टीविटामिन आपको देने की ज़रूरत नहीं पड़ती बर्ड को। आप नेचुरल मल्टीविटामिन अगर इस्तेमाल करना चाहते हैं ना आप, तो मैं आपको यही कहूँगा आप बर्ड को सैलड डालें, फ्रूट्स की कुछ फ्रूट होते हैं वो क्रश करके डाल सकते हैं, मैं तो सेब भी डालता रहता हूँ बर्ड को, और जो आपको जो चीज़ मिले ना मौसम की, बस मैं यही कहता हूँ जो मौसम में मिल रहा है चुप करके डालें, चाहे माल्टा है, पुराने कई से सस्ते से माल्टे मिल जाएँ काट के डाल दें पुराने, उसमें से चूंज मार के नोच लेंगे, किन्नू मिल रहा है, सेब मिल रहा है, अमरूद मिल रहा है, सस्ता जो भी मिलता है भरी डालें, बर्ड को डालें, आप खुद खाते हैं ना अच्छी चीज़, तो बर्ड को भी अच्छी चीज़ देनी चाहिए। और बस ये छोटा सा एक आप दोस्तों को इंट्रो करवाना था कि बर्ड को आप अगर रख रहे हैं तो क्या क्या चीज़ें डालनी चाहिए, ये छोटी सी मेरे जहन में ऐसा, मैंने कहा चलो मैं बर्ड को डाल रहा हूँ तो लोगों के साथ शेयर कर दो। उम्मीद है आप दोस्तों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी, अच्छी लगी है तो फॉलो लाजमी करें, टिकटॉक पे हैं या यूट्यूब पे सब्सक्राइब कर लें, फेसबुक पे तो फॉलो कर लें, और वीडियो अच्छी लगी लाइक और शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं किसी नई वीडियो में आप दोस्तों के साथ नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा।